हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम सीकर के पास में ही बाजौर गांव है, बाजौर के पास में देवगढ़ गांव है, वहां पे किला है, उस किले पे घूमने जा रहे हैं। उसका पूरा दृश्य आप लोगों से शेयर करेंगे। उसके लिए आप हमारे वीडियो पे अंत तक बने रहिए और देखते रहिए कि आपको भी यह दृश्य, इस दृश्य का आनंद लेना चाहिए। धन्यवाद फ्रेंड्स। साथ में हमारे गोपाल जी हैं, हम दोनों ही घूमते हैं ज़्यादातर टूर। आप पूरे वीडियो तक बने रहे। ऊपर जाने का रास्ता, इस मंदिर के दर्शन करके ऊपर जाने का रास्ता है। चलो आपको ले चलते हैं। थोड़ा सा कठिन है यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपको दर्शन कराएंगे। रास्ता बहुत खराब है यहाँ का, लेकिन फिर भी आनंद आएगा बहुत ज्यादा। रास्ता अभी नया नहीं बना, यहाँ पे पगडंडी ही है। बारिश की वजह से ये थोड़ा खराब है, लेकिन फिर भी हम आपको ले चलते हैं इधर। कितना कठिन रास्ता है, फिर भी हम जा रहे हैं यहाँ पे। रास्ता देखिए कैसा है। अभी थोड़ी देर बाद में ही रास्ता थोड़ा साफ आया है, और सही रास्ता ही है। यहाँ पे उतरते टाइम पे थोड़ा ज़रूर परेशानी होगी, क्योंकि फिसलन है पूरी। गोपाल जी थक गए, हर्ष भी पास में ही है। हर्ष की देखिए, आपको दिखाते हैं। हर्ष पास में ही है, हर्ष जी का मंदिर 5 किलोमीटर की दूरी पे है। किले के मुख्य द्वार तक हम पहुंच गए हैं। ये देखिए किले का एंट्रेंस, बहुत मुश्किल लगा लेकिन फिर भी पहुंच गए। सीढ़ी दो कितनी ऊंची है, दरवाजा पहले पूरा खुलता होगा शायद, लेकिन अभी देखो यहाँ तक भी मिट्टी जमी हुई है। चलो ले चलते हैं इसके अंदर आपको। यहाँ की गुफाएं देखो, इस गुफा को हम बाद में देखते हैं, मगर ये भी खंडर हो चुका है। हम इसके एंटर आ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ भी देखो अंदर आने के बाद में भी कितनी चढ़ाई है। यानी मेन किले का जो गेट है वो अभी बाकी है, हमने उसकी परिधि ही मैं एक बार इंटर किया था। हमने सोचा कि ये देखो फाइनली हम किले के ऊपर पहुंच गए। यहाँ पर देखो, यहाँ से वो क्या देखते होंगे, या तो पहले कोई सिक्योरिटी के लिए ये बनाई गई है, ये किले का मेन गेट जहाँ पे हम इंटर हो चुके हैं। किधर जाना है पता नहीं, बहुत से रास्ते हैं। गोपाल जी लाइट दो। दिखाते हैं आप लोगों को, क्या है इधर। सुरंग नुमा ही बनी हुई है, वी डोंट नो क्या है, पता नहीं अंदर जाने पे क्या हो सकता है। ये शायद कहीं खुफिया रास्ता है।
चलो इधर ऊपर चलते हैं। ये छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। भाई साहब ऐसा नजारा मैंने पहले कभी नहीं देखा। गोपाल जी आपने अभी ऊपर हम जाएंगे। भाई साहब अंडरग्राउंड देखा क्या? मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा। भाई साहब अंडरग्राउंड होल क्या करते होंगे यहाँ छुपने के लिए? है ये राजा महाराजाओं का अंडरग्राउंड होल बन रहा है। गोपाल जी अंदर जाना को आओ आओ। मतलब ये भगने का रास्ता है। आक्रमण हो जाए ना जना बाग बाग हो रही है जी। ओ तेरी आया तेरी वापस पहुंच गया। बाग बागा जी ये तलगर। अभी और भी ऊपर का दृश्य हम दिखाते हैं। अभी तो मतलब ये समझो कि हमने 10% ही नहीं देखा। हम गुजारिश करेंगे कि सरकार से इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को। अगर इसको गवर्नमेंट अपने अंडर में ले ले तो यह एक शानदार जगह बन सकती है। ये मेन एंट्रेंस महल का। ये भी तो इस धरोहर को लोगों ने खराब कर दिया। ये देखो यहाँ की कारीगरी, मतलब पहले भी कितना अच्छी कारीगरी होती थी। ये इस भवन का मुख्य गेट। उससे पहले हम आपको नीचे का दृश्य दिखाते हैं। यहाँ पे आहा क्या हवा आती है यहाँ से, मतलब पूरे गांव का दृश्य यहाँ से देखा जा सकता है। मतलब हमने सोचा नहीं था कि हम ऐसी जगह पे आके, मतलब ऐसा हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। मतलब यहाँ पे बहुत से अंडरग्राउंड भी बने हुए हैं। अंडरग्राउंड पहले भी एक था अंडरग्राउंड, ये दूसरा, वो तीसरा, चौथा, मतलब काफ़ी अंडरग्राउंड। और हाँ इसके साथ में यहाँ देखो प्रकृति को ध्यान में रखते हुए पेड़ पौधे का भी पूरा संरक्षण किया गया है। मतलब ये पेड़ ऐसा नहीं है कि अभी ऑटोमेटिक उगा, ऑटोमेटिक लगा, ये पहले का है। यानी पेड़ पौधों का भी ध्यान रखा जाता था इसके साथ साथ में। यहाँ पे प्रकृति इनके लिए शायद ऐसा नहीं होगा कि इन्होंने ध्यान नहीं रखा सब चीजों का। ये पहले राजा महाराजाओं का रहता था। ये देखो यहाँ से मतलब कैसे कैसे निकलते हैं। अंडरग्राउंड मकान, अंडरग्राउंड जगह बनी हुई है। मतलब पता ही नहीं चलता किधर जाना है किधर नहीं जाना, कहां से क्या है। अच्छा ये यहां से सुरक्षा गार्ड, सुरक्षा की दृष्टि से ये बनाए गए हैं।
हमने सोचा पता नहीं कहाँ जाता होगा, लेकिन ये सुरक्षित जगह बनाई हुई है, इनसे यहाँ की सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है। मैंने सोचा ये इधर ही खत्म हो गया, लेकिन ये खत्म नहीं हो रहा। आपको वो बनाया गया मतलब सोचा ये लाइट जलाओ गोपाल। ये है यहाँ का जो जिसको अपन शौचालय बोलते हैं, मतलब यहाँ पे जाओ डायरेक्ट नीचे। वाह, कभी देखा ऐसा? मतलब राजा महाराजाओं के ये बाथरूम होगा शायद। कितना अच्छा ये लोग मॉडिफाई करते थे, कैसे कैसे रास्ते हैं, मतलब पता ही नहीं चलता कि ये किस किस के होंगे। तो देखने में किस मतलब हम इसको चारों तरफ से देख रहे हैं, चारों तरफ इसका घूमने का है। मतलब राजा महाराजाओं का भी इनका एक अलग ही लुक, अलग ही शानदार था। ये देखिए आप, ये सुरक्षा के लिए जो सैनिक अपनी बंदूकें तान के रखते थे वो उनके लिए बनाए हुए हैं। गोपाल जी ने बोला कि ऊपर से भी, और ये ना सुलभ शौचालय एक क्या इनका मतलब कैसे ये लोग लेना। यानी हम पूरा जो सबसे ऊपर है वहाँ से आपको ये दिखा रहे हैं कि कितने सुरक्षा गार्ड यहाँ पे लगे हुए होंगे, इसकी जो पूरे किले की सुरक्षा के लिए। गोपाल जी कहाँ पे? बाप रे, इसको देखना मत भूलना दोस्तों। आपको कहता हूँ कि अगर आप सीकर के आसपास के हैं, ये देखिए यहाँ का नज़ारा भी आपको कैसा लगता है। सामने ही हर्ष का है, कितना शानदार हर्ष का नज़ारा दिख रहा है। गिरने का भी डर है, हमें अपनी सुरक्षा भी पहले ध्यान में रखनी है। लो गोपाल जी, दो चार पिक मेरी भी खींच। लगभग हमने पूरा जो संरचना है इसका पूरा दृश्य हमने मनोरम किया, आनंद लिया इसका, बहुत ही अच्छा लगा हमें। बढ़िया और तो है जहाँ भाई साहब, पूरी तरह चारों तरफ यहाँ दरवाजा ही दरवाजा लाग रहे हैं। रात हो गई, मुझे लगता है अपने को चलना चाहिए, क्योंकि हमें ये चढ़ाई थी वो भी उतरनी है। भाई साहब, अगर वीडियो ने लाइक कौन करे तो लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। मैं अतिथि बढ़िया चीज दिखा रहा था ना, कर दो जल्दी से। गोपाल जी बोल दिया, आप अंधेरों को लेकिन फिर भी बहुत मजा आया, देख रहे थे ना, बहुत मजा आया। मेहर गोपाल जी तो मतलब आनंद ले लिया आनंद, अभी अंधेरों को देख लो, देख